हेलो। तो आज फिर से हम कंटिन्यू कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स को, एंड द टॉपिक इज लीफ। ठीक है, सो मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स, तो टॉपिक जो है दैट इज लीफ। लीफ की बात करें, लीफ क्या है? बेसिकली अगर लीफ की बात करें, ये शूट का पार्ट है, यानी लीफ इज़ अ पार्ट ऑफ शूट। जहाँ पे लीफ, आपने देखा होगा कि जिस लीफ को हम देखते हैं, जिस लीफ को हम सुनते हैं, जो हमें समझ आ रहा है, जो लीफ हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ फोलिएज लीफ। यानी फोलिएज का लीफ जो फोटोसिंथेसिस में काम आ जाता है। फोलिएज एक पार्ट ऑफ अ प्लांट, जिसमें फोलिएज की बात करते हैं, जो हमें फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। एंड व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट इज कॉल्ड फोलिएज लीफ। तो फोलिएज लीफ क्या है कि प्लांट्स में लीफ बहुत सारे तरीके के होते हैं। सो वी हैव फोलिएज लीफ, फोलिएज लीफ। तो फोलिएज, इसके बाद वी हैव स्केल लीव्स, कभी कभी होते हैं। वी हैव फ्लोरल लीफ, फ्लावर से आते हैं। वी हैव कॉटिलेडोनरी लीव, वी हैव अदर लीव्स आल्सो। ये सारे लीव्स ही है। ठीक है, तो टिपिकल लीफ क्या है? इज अ ग्रीन एक्सपेंडेड एक्सोजेनस लेटरल अपेंडेज विच अराइजेस फ्रॉम द नोड ऑफ अ स्टेम और इट इज ब्रांच। तो ये ग्रीन है, एक एक्सपेंडेड एक्सोजेनस है, इंटरनल नहीं है, एक अपेंडेज है जो स्टेम या इसके ब्रांच के नोड से निकलता है। तो ग्रीन लीव्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं फोलेज लीव्स। वी हैव स्केल लीव्स, वी हैव फ्लोरल लीव्स, सेपल्स, पेटल्स, वी हैव ब्रैकेट, बेसोफिल्स, वी हैव प्रोसो, प्रोफिल्स। लार्जेस्ट लीव भी कहीं पे हमें दिखता है, स्मॉलेस्ट लीव भी दिखता है। वी हैव फ्लोटिंग लीव्स, वी हैव कैटरपिलर्स, वी हैव स्पोरोफिल्स, जो स्पोरेंजी के साथ रहते हैं, एंड ऑल दैट। लेकिन हम आज जो पढ़ रहे हैं, दैट इज एंजियोस्पर्मिक लीफ एंड दैट इज फोलेज लीफ, दैट इज अ टिपिकल लीफ। तो टिपिकल लीफ की इंसर्शन की बात करें, इंसर्शन तीन तरीके का हो सकता है। यानी लीफ जब प्लांट के साथ टच करता है, वी कैन हैव रेडियल, वी हैव रैमल, वी हैव कॉलाइन इंसर्शन। अब लीफ के पार्ट्स की बात करें, वी हैव पार्ट्स ऑफ लीफ। लीफ के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट है, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। सो सपोज दिस इज ब्रांच, ये नोड है, यहाँ पे लीफ निकला है। सो ये लीफ निकला है। सो लीफ हैज थ्री पार्ट्स। लीफ हैज अ बेस, इट्स कॉल्ड अ बेस। देन वी हैव अ स्टॉक, इट्स कॉल्ड अ पीटियोल। देन वी हैव अ ब्लेड, या लैमिना। सो लीफ हैज थ्री पार्ट्स, बेस, पीटियोल, और इसका तीसरा जो है पार्ट, दैट इज लैमिना। अब लीफ बेस, इनको हम जो नाम देते हैं, दैट इज पोडियम, इसको हम हाइपोपोडियम कहते हैं। हाइपो पोडियम इज कॉल्ड मीजो पोडियम, दिस कॉल्ड एपी पोडियम। ठीक है, तो लीफ का बेस है, ये स्वोलन भी होता है कभी कभी, दैट इज देन कॉल्ड पल्विनस। इसके बाद पीटियोल, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस लीफ को, जिस लीफ में पीटियोल है, दैट इज कॉल्ड पीटियोलेटेड लीफ, और जहां पे पीटियोल नहीं है, दैट इज कॉल्ड सेसाइल लीफ। कभी कभी पीटियोल बहुत शॉर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सब सेसाइल लीफ। और जो लैमिना होता है, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर होता है, इट हैज आउटर मार्जिन विच इज कॉल्ड लीफ मार्जिन, ये लैमिनर मार्जिन। लीफ एपेक्स दूसरा है, एपेक्स होता है इसमें। देन वी हैव मेन ब्लेड, वी हैव मिड रिब, इसमें मिड रिब पाया जाता है। वी हैव लेटरल वेन्स या वेन लेट्स, दिस इज कॉल्ड वेन्स। तो लीफ के टिपिकल पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो जहाँ से हमने कहा कि
लीफ जो होता है, टिपिकल लीफ के तीन पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पीटियोल एंड लैमिना। लीफ बेस इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपोपोडियम। ये स्वोलन होता है कभी कभी, पालोवेनस। इसके बहुत सारे, इसमें कुछ स्टाइप्यूल्स भी हो सकते हैं, देर आर स्टेप्यूल्स। लीव्स के कुछ स्टेप्यूल्स, कुछ अपेंडेज होते हैं, दो अपेंडेज, देर आर कॉल्ड स्टेप्यूल्स। तो देर आर नंबर ऑफ आउटग्रोथ्स लाइक लिग्यूल इज देयर एंड अदर स्ट्रक्चर्स। पीटियोल लीफ दैट इज कॉल्ड मेसोपोडियम, ये इसके बेसिस पे लीफ सेसाइल हो सकता है, पीटियोलेटेड होता है। लैमिना जैसे मैंने कहा, इट इज़ अ लीफ ब्लेड, इसमें एक दो साइड होते हैं। अगर एंजियोस्पर्म्स की बात करें, अपर वाला साइड दैट इज कॉल्ड एडैक्सियल साइड या वेंट्रल या अपर साइड, और नीचे वाला साइड दैट इज कॉल्ड एबैक्सियल और डॉर्सल और लोअर सरफेस। तो देर आर इट्स आइसोबाइलेटरल लीफ, तो इट्स अ डॉर्स वेंट्रल लीफ इन फैक्ट इन एंजियोस्पर्म्स, आइसोलेटरल इवन इन मोनोकॉट्स, बट इट आइसोबाइलेटरल इन मोनोकॉट्स, डॉर्स वेंट्रल इन डाइकॉट्स। तो ये तीन, देर आर स्टाइप्यूल्स, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स और लीफ के इसमें आ जाते हैं। नाउ ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन, आपको पता है कि ड्यूरेशन के बेसिस पे वी हैव थ्री टाइप्स ऑफ लीव्स, वी हैव कैडुकस, वी हैव डेसिडुअस, वी हैव पर्सिस्टेंट। लीफ के तीन, देर आर थ्री टाइप्स ऑन द बेस ऑफ ड्यूरेशन। अगर लीफ ड्यूरेशन की बात करें, वी हैव कैडुकस, कैडुकस यानी वो लीव्स जो बनते ही गिर जाते हैं, देर आर कॉल्ड कैडुकस। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैडुकस ओपुंसिया, ओपुंसिया में पाया जाता है कैडुकस, ये गिर बनते ही गिर जाते हैं। देन वी हैव डेसीडुअस, डेसीडुअस यानी वो जो किसी पर्टिकुलर सीजन में फॉल हो जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑटम सीजन में फॉल हो जाते हैं, देर कॉल्ड डेसीडुअस। फॉर एग्जाम्पल पॉपुलर, मलबेरी एटसेट्रा। देन वी हैव एवरग्रीन या परसिस्टेंट, एवरग्रीन लीव्स आर परसिस्टेंट, जो रहते ही है, जो गिरते नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मैंगो, इकलिप्टस। ठीक है, अब फिर से लीव बेस पे आते हैं। सो अगर लीव बेस की बात करें, वी हैव सो मेनी स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद लीव बेस। लीव बेस पे अगर हम बात करें, ये स्टाइप्यूलेट होता है, ये एक्सटाइप्यूलेट होता है, ये लिग्यूलेट होता है, ये पालोवेनेट होता है, कोनेट अर्थ स्ट्रक्चर्स। इसी तरह पीटियोल की बात करें, इसमें भी बहुत सारे तरीके हैं। लीफ सरफेस की बात करें, देर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। सरफेस की अगर बात करें, शाइनिंग, इट कैन बी ऑयली, इट कैन बी एनीथिंग। एंड इफ यू नो ऑन द बेसिस ऑफ लीफ स्ट्रक्चर, वी हैव सो मेनी लीव्स इन फैक्ट। शेप ऑफ आउटर लाइन लैमिना, जो लीफ का लैमिना होता है उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे, वो है सो मेनी ऑफ लीफ स्ट्रक्चर्स, उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कुछ लीव्स इस तरह होते हैं, कुछ लीव्स जैसे इस तरह होते हैं, वी हैव दिस टाइप ऑफ लीफ, वी हैव दिस टाइप ऑफ लीफ, कुछ लीव्स इस तरह होते हैं, ठीक है, कुछ लीव्स इस तरह होते हैं, कुछ लीव्स इस तरह भी होते हैं, कुछ लीव्स इस तरह होते हैं, कुछ लीव्स इस तरह होते हैं। तो लिटिल लॉट ऑफ लीव्स, लॉट ऑफ लीव्स मॉडिफिकेशन, टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन द बेसिस ऑफ लीफ शेप, आउटर लाइन। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, जो लीफ मार्जिन मैंने बताया, मार्जिन के बेसिस पे, तो मार्जिन भी ऐसे भी हो सकता है, मार्जिन ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है मार्जिन, इट कैन बी लाइक दिस ऑल्सो। तो बेसिस ऑन लीफ बेस, लीफ मार्जिन, वी हैव सो मेनी टाइप्स। इसी तरह लीफ एपेक्स पे, बेस ऑन लीफ एपेक्स, वी हैव सो मेनी लीव्स। एपेक्स यानी लीफ का जो टिप है, वो एब्रप्टली टिप हो सकता है, या इस तरह एक लोब बन जाएगा, या इस तरह एक लंबा सा, या इस तरह सीधे। तो ऑन द बेस ऑफ लीफ एपेक्स, मार्जिन, लीफ ब्लेड, पिटियोल, बेस, सो मेनी वेरिएशंस आर देयर, वी आर नॉट गोइंग टू टेक देम। तो ये लेंथी टॉपिक हो जाएगा। मूविंग टू द टर्म दैट्स कॉल्ड फाइलोटैक्सी। फाइलोटैक्सी इज एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स
ऑन स्टेम और इट्स ब्रांचेस। ठीक है, तो फाइलोटैक्सी क्या है? ये अरेंजमेंट ऑफ लीव्स है, यानी लीफ किस तरह बने हैं, किस तरह इनका स्ट्रक्चर है। सो इट इज़ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच स्टेम एंड इट इज ब्रांचेस। सो दैट्स व्हाट्स कॉल्ड फाइलोटैक्सी। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, फाइलो टैक्सी, सो इट इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच, दिस इज फाइलोटैक्सी। स्पाइरल हो सकता है, ये मोज़ेक हो सकता है, अपोजिट, वर्लड। दूसरा एक टर्म है, दैट इज कॉल्ड टैक्सिस, यानी टैक्सिस। इट इज जब हम बात करते हैं लेमिना की, इट इज फोल्डिंग ऑफ लेमिना इन बर्ड कंडीशन, सो इट इज फोल्डिंग ऑफ लेमिना इन बर्ड कंडीशन, दिस कॉल्ड टैक्सिस। वन इज फाइलोटैक्सी, अनदर इज टैक्सिस। इट इज फोल्डिंग ऑफ लेमिना बर्ड कंडीशन में लेमिना कैसे होता है, फोल्ड किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड टैक्सिस। तो इट कैन बी ऑफ मेनी टाइप्स, वी हैव सिरसिनेट, वी हैव कैम्पलर, वी हैव रिवोल्वेट वगैरह वगैरह, इनवोलेट। एक टर्म है दिस वर्नेशन, दिस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बर्ड कंडीशन, वर्नेशन। इट इज अगेन अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। सो फाइलोटैक्सिस अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, वर्नेशन इज ऑल्सो अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, बट दिस फाइलोटैक्सिस इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बर्ड कंडीशन। अरेंजमेंट ऑफ लीव्स इन बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड वर्नेशन, बट अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन ब्रांच इज कॉल्ड फाइलोटैक्सी, एंड फोल्डिंग ऑफ लेमिना इन बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड टैक्सिस। ठीक है, वी हैव अनदर टर्म, दिस वेनेशन। वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, दिस कॉल्ड वीनेशन, VENA, वीनेशन। तो वीनेशन कैन बी मेनी टाइप्स, देर आर मेनी टाइप्स, वी कैन हैव रेटिकुलेट, वी कैन हैव पैरेलल, वी कैन हैव पामेट एंड अदर। देखिए ये वेनेशन की बात हमने की है, तो इट कैन बी लाइक दिस, यानी जो लीफ ब्लेड है इसमें वेन्स इस तरह भी हो सकते हैं पैरेलल, इसमें वेन्स इस तरह भी हो सकते हैं लाइक दिस, इसमें वेन्स एक नेटवर्क के द्वारा ऐसे हो सकता है, इट्स लाइक दिस काइंड ऑफ अ नेटवर्क, हियर दे आर गोइंग। ठीक है, तो वेन्स का अरेंजमेंट क्या है, दिस कॉल्ड वेनेशन। दो तरीके का लीव्स दो तरीके के होते हैं, या थे पिनेट लीव्स या पामेट लीव्स। ये दो टर्मिनोलॉजीज आप याद रखें, पिनेट एंड पामेट। ये लीव्स भी होते हैं या वेनेशन भी हो सकता है। सो वी हैव पिनेट एंड वी हैव पामेट। पिनेट इज फेदर लाइक, पामेट इज पाम लाइक। इट इज फेदर लाइक, इट इज पाम लाइक। दोनों में क्या अंतर है, क्या फर्क है? पिनेट में हर एक पॉइंट अलग अलग निकलता है, यानी अगर ये फेदर है, अगर ये सपोज लीव की बात करें तो इसमें इस तरह होगा लाइक अ फेदर, हर एक लोब अलग अलग पॉइंट पे निकलता है। सो हर एक लोब अलग पॉइंट पे निकलता है, दिस इज कॉल्ड पिनेट टाइप। पामेट में एक ही पॉइंट पे सभी निकलते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक पॉइंट है, इसमें इस लोब आ गए एक ही पॉइंट पर सभी। इसी तरह अगर वेन्स की बात करें, अगर वेन्स इसमें इस तरह है वेन्स, दिस इज पिनेट पैटर्न। अगर वेन्स इस तरह है, दिस इज पामेट पैटर्न। ठीक है, तो ये दो तरह के लीव्स होते हैं या इनके स्ट्रक्चर होते हैं। एक्चुअली दिस आर टू टर्मिनोलॉजीज यूज्ड टू डिनोट दिस डिफरेंट
थिंग्स। इसी तरह अरेंजमेंट ऑफ एव्यूरस दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटेशन, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट्स कॉल्ड इनफ्लोरेसेंस, जो आपने ऑलरेडी देखा है सुना है, ठीक है। लाइक तो यहाँ पे फिर से दैट्स, अगर हम इनफ्लोरेसेंस की बात करें, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ पेडेंकल और ब्रांच द फ्लोरल एक्सिस। इसी तरह अगर हम दैट्स कॉल्ड प्लेसेंटेशन, दैट इज अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स इन प्लेसेंट इन ओवरी। ये सारे टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो लेट्स मूव टूवर्ड्स लीफ टाइप्स। वी हैव टू टाइप्स, सिंपल एंड कंपाउंड। सो टू टाइप्स ऑफ लीव्स, सिंपल एंड कंपाउंड। तो लीफ के दो टाइप होते हैं, या सिंपल लीफ होगा या कंपाउंड लीफ होगा। सिंपल लीफ में आपका ब्लेड होगा, एक जहाँ पे बेस होगा, इसमें आपका फिर पीटियोल एंड ऑल दैट। सिंपल लीफ में लेमिना विद अनडिवाइडेड लेमिना, यानी लेमिना एक ही है, कोई डिवीजन नहीं है। दिस इज कॉल्ड सिंपल लीफ, लेमिना डिवाइडेड नहीं है। बट इन केस ऑफ कंपाउंड लीफ, वी हैव लेमिना इज डिवाइडेड, वी हैव पिनेट कंपाउंड लीफ, जैसे मैंने कहा वी हैव अनपिनेट, वी हैव बाईपिनेट, वी हैव इस तरह के ट्राईपिनेट। सो वी हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ, वी हैव ट्राईफोलिएट, वी हैव यूनिफोलिएट, वी हैव क्वाड्रीफोलिएट, मल्टीफोलिएट लीव्स। अब लीफ मॉडिफिकेशन की बात करें, इस बाद में लीफ मॉडिफिकेशन। देखिए लीफ मॉडिफिकेशन के बहुत सारे, देर आर एटलीस्ट आई कैन से 8 टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशन। लीफ टेंड्रल भी बना सकता है। सो लीफ मॉडिफिकेशन कैन बी टेंड्रल, टेंड्रल तो होल लीफ हो सकता है, या कुछ पार्ट्स के लीफ टेंड्रल में, होल लीफ टेंड्रल, लीफ लेट टेंड्रल, पीटियोलर टेंड्रल, लैटिस टेंड्रल एटसेट्रा। लीफ के टिप टेंड्रल बन सकते हैं। तो टेंड्रल्स कैन बी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ लीफ और होल लीफ। दूसरा वी हैव स्पाइनस, सेकंड वी हैव स्पाइन। लीफ से स्पाइन बनते हैं प्रोटेक्शन के लिए, फॉर एग्जाम्पल ओपुंचिया, एस्पैरागस, बारस, बारबेरी में, ये सब इसमें क्या होता है, स्पाइन्स बनते हैं। वी हैव लीफ लेट हुक्स, फॉर एग्जाम्पल बिगोनिया में, सो हुक्स बनते हैं लीव्स के, लीफ लेट हुक्स। इसके बाद वी हैव लीफ रूट्स, सेल्विनिया में लीफ रूट्स बनते हैं। वी हैव फाइलोड्स, फाइलोड कहते हैं फ्लैटेंड पीटियोल एंड ब्रांचेस। अगर लीफ का पीटियोल फ्लैटेंड हो जाता है एंड इट टेक्स फंक्शन ऑफ लीफ, इज कॉल्ड अ फाइलोड। तो ये भी कहीं सारे प्लांट्स में है। वी हैव एकेशिया, वी हैव एकेशिया लॉन्गिफोलिया। लीफ के ब्लेडर भी बन सकते हैं, लीफ ब्लेडर सर दियर, लीफ ब्लेडर। फॉर एग्जांपल अगर बात करें साइक्लोप्स में, या साइक्लोप्स को खाने के लिए यूट्रिक्यूला, जो यूट्रिक्यूलेरिया एक्चुअली प्लांट होता है, यूट्रिक्यूलेरिया, ये कुछ इंसेक्ट्स को खाने के लिए एंड सम अदर एनिमल्स, इट फॉर्म्स लीफ ब्लेडर्स। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर लाइक दिस लीफ ब्लेडर, जिसमें कोई भी इंसेक्ट फंसता है, मर जाता है, उसको प्लांट खाता है। देन वी हैव लीफ पिचर, ये पिचर प्लांट में इज द काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस इज द लीफ पिचर। इसमें जब कोई इंसेक्ट जाता है वो फिर बाहर नहीं निकल सकता है और उसको प्लांट खाता है, इट इज द इंसेक्टिवोरस प्लांट। फॉर एग्जाम्पल वी हैव नेपेंथीज, ठीक है, वी हैव डिस्ट्रिया, वी हैव सारा सीनिया एंड सो मैनी। देन वी हैव स्केल, स्केल्स बनते हैं। तो दीज आर लीफ मॉडिफिकेशन इनफैक्ट। लीफ मॉडिफिकेशन हो गए, आगे चलते हैं। लीफ मॉडिफिकेशन के बाद देयर इज अ पॉइंट इज कॉल्ड हीटरोफाइली। हीटरोफाइली एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे एक प्लांट में मुख्तलिफ तरीके, यानी देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स ऑन अ सिंगल प्लांट, सो दैट्स कॉल्ड हीटरोफाइली। हीटरो मीन्स डिफरेंट, फाइली मीन्स लीव्स, सो डिफरेंट लीव्स ऑन अ सिंगल प्लांट। इसके क्या कारण है, देर आर 4 इंपॉर्टेंट रीजन्स: एडेप्शन, एनवायरनमेंट को एडजस्ट करने के लिए, डेवलपमेंटल स्टेज, डेवलपमेंट एंड हैबिटेट। सो हीटरोफाइली के रीजन्स क्या है, एडेप्शन के लिए यानी एडेप्टेशन, इनफैक्ट एडाप्टेड टू हीटरोफाइली। देन वही एनवायरमेंटल हीटरोफाइली, डेवलपमेंटल हीटरोफाइली एंड हैबिचुअल हीटरोफाइली। इसी तरह लीफ में कलरेशन होता है, ऑटम में इसमें ब्राउन कलर आ जाता है,
it becomes brown in autumn, they fall, and there is a finally point that's called a leaf fall and abscission. ये जो leaf होता है, अगर ये leaf है, then this is petiole. इस पीटियोल के इस साइड में देयर इज अ पैरेन्काइमेटस लेयर, ये बन जाता है, इट इज अ प्रोग्रामड प्रोग्राम. तो ये पैरेन्काइमेटस लेयर इट इज कॉल्ड एब्सिशन लेयर. हम अभी पढ़ रहे हैं लीव एब्सिशन, लीव एब्सिशन. तो दिस एब्सिशन लेयर, या इसको हम कहते हैं सेपरेटिंग लेयर, सेपरेटिंग लेयर. इट इज अ पैरेन्काइमेटस टिश्यू एक्चुअली. इसके बाहर में एक और लेयर आ जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्टिव लेयर. इट इज एक्चुअली ऑफ कॉर्क सेल्स, सुपरवाइज्ड सेल्स, सुपरवाइज्ड सेल्स, दे आर कॉल्ड कॉर्क सेल्स. इट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव लेयर. दूसरा है सेपरेटिंग लेयर. फाइनली ये कट करता है इस वाले पार्ट को और ये नीचे गिर जाता है और ये स्कार, यहाँ पे एक स्कार छोड़ जाता है. दिस कॉल्ड लीफ एब्सिशन. तो एब्सिशन ज़रूरी है किसी टाइम पे, ये प्रोग्रामर है सब कुछ. तो ये हमने देखा है कि लीव्स में किस तरह के प्रोविजन आ जाते हैं. अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जैसे अब सब बच्चे हैं, प्रोटेक्टिव लीव बेस भी हो सकता है कभी पे. वी हैव इन्फ्लेटेड पीटियोल, वी हैव फिस्टुलर पीटियोल, वी हैव स्पाइनस पीटियोल, we have scale leaves, we have genetic spiral, we have bellus corpuscles. In fact, the gland is producing edible material at the apices of leaflets in acacia plant. Plant with single leaf, that is monophylia. Plant with two leaves only, that is welwitschia, gymnosperm. Broadest leaf bhi hai ek jagah pe, largest leaf bhi hai. So this is all concerning with leaf. तो इसके साथ हमने लीफ कंप्लीट किया है. वी हैव कंप्लीट लीफ इन मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्म्स. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय.